योग की एक क्रिया के अभ्यास से आपको मिलेगी डायबिटीज, कब्ज, इंडाइजेशन और पेट की चर्बी से मुक्ति। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। आज जिस क्रिया के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो है अग्निसार। अग्निसार जैसा नाम से ही है पता कि इसका संबंध किसी अग्नि से है। हमारा भोजन जो पचता है वो पाचन अग्नि के द्वारा ही पचता है। हमारे शरीर में 13 तरह की अग्नियां हैं, उनको ये प्रज्वलित रखती है जिससे पाचन तंत्र में सही मात्रा में जूसेस सीक्रेट होते हैं, भोजन सही ढंग से पचता है और जिसकी वजह से जब भोजन सही पचेगा तो हमारे शरीर को उससे एनर्जी मिलेगी। तो मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ, इससे बहुत सारे लाभ हैं क्योंकि इसका पूरा का पूरा प्रभाव पेट की पाच नस नाड़ियों पाचन तंत्र के ऊपर ही है। तो जब पेट की मांसपेशियों को इस ऊपर इसका जो प्रभाव है उससे वो लचीली और स्वस्थ तो होती ही है। डायबिटीज पूरी तरह से इससे मुक्त हो सकते हैं आप, बस इसका निरंतर अभ्यास करेंगे तब। और प्री डायबिटिक है तो डायबिटीज होगी ही नहीं। इसके अलावा जैसा मैंने बोला कि कब्ज, कब्ज के लिए रामबाण है। आप सुबह उठते ही अगर इसका अभ्यास करते हैं तो आपको कब्ज नहीं होगा। और कैसा भी कब्ज कठिन से कठिन हो तो भी इसके निरंतर प्रयास अभ्यास से चला जाएगा। फिर मैंने इनडाइजेशन बोला। इनडाइजेशन यानी आपको एसिडिटी, गैस, आफरा, ऐसी बहुत सी समस्याएं, भूख नहीं लगना, बहुत सी समस्याएं परेशान करती है। आप डॉक्टरों के पास जाते हैं क्योंकि आपका डाइजेशन सही नहीं है, जूसेस सही सीक्रेट नहीं हो रहे हैं, मगर इसको करने से वो सब कुछ सुधर जाएगा। और पेट की चर्बी बिना और किसी मेहनत के भी निरंतर अभ्यास से धीरे धीरे कम होकर आपकी चली जाएगी। इतना ही नहीं है, इसके अभ्यास से प्रजनन तंत्र स्वस्थ होता है। महिलाओं को मासिक धर्म के समय जो दिक्कतें आती हैं, पेट दर्द, कमर दर्द, इसके अलावा हैवी ब्लीडिंग, उन सब से मुक्ति मिलेगी अगर आप इसका अभ्यास कर रहे हैं तो। और यूरिन की समस्या जैसे अगर किसी को है तो जैसे उनको रोक नहीं पा, रोकने की क्षमता चली गई है पुरुषों की या महिलाओं की, तो इसके अभ्यास से वो समस्या भी दूर होती है। आपने देखा एक अभ्यास कितने सारे लाभ। तो आज मैं आपको जी अग्निसार के बारे में ही बता रही हूँ, केवल एक अभ्यास जिसका निरंतर आपको अभ्यास प्रतिदिन सुबह खाली पेट करना है। अगर किसी दिन सुबह नहीं कर पाए आप तो फिर खाना खाने के कम से कम 5 घंटे बाद इसका अभ्यास कर सकते हैं और करने में बहुत सुगम है। बस किने नहीं करना है ये ध्यान में रखें, जैसे ब्लड प्रेशर के मरीज को, हार्ट पेशेंट को और इसके अलावा हार्निया के पेशेंट को, गर्भवती महिलाओं को मासिक धर्म में भी इसका अभ्यास नहीं करना है और पेट की सर्जरी जिनकी हुई है उन्हें भी नहीं करना है। तो ये इतना ध्यान रखेंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सभी को तो ये दिक्कतें नहीं होती है, कुछ लोगों को सिर्फ इनडाइजेशन की है, मतलब ये जितनी चीज़ें मैंने मना की है, ऐसा अल्सर के मरीज भी नहीं कर सकते, कोलाइटिस के मरीज भी नहीं कर सकते, बाकी तो सब कर सकते हैं। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ कि आपको करना कैसे है, करने में तो बहुत सुगम है ये। देखिए शरीर, आप थोड़ा सा ऐसे हल्का सा बैंड होंगे, पैरों को थोड़ा सा दूर रखेंगे और इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले सांस को बाहर निकाल देना है। सांस को बाहर निकालने के बाद लेना नहीं है, बिना सांस लिए सिर्फ पेट को अंदर बाहर करते रहना है सिर्फ, और जितनी देर कर सकते हैं करिए। हो सकता है आप 15 स्ट्रोक ले अंदर बाहर करते हुए, 20 कर पाए, 25 कर पाए, जितना भी कर पाए कर ले। जब लगे कि अब सांस लेना है तो पहले आपको रुकना पड़ेगा, रुकिए, फिर उसके बाद सांस भरिए, रिलैक्स होके फिर दोबारा शुरू कीजिए। यानी इसका कम से कम 5 to 6 टाइम अभ्यास करना है।
मैं आपको दो बार करके दिखाती हूँ। जब मुझे लगा कि सांस लेना है तो मैं रुक गई, सांस ली, रिलैक्स हो गई। मैं दोबारा करके दिखाती हूँ। देखिए, मैंने तो दो बार किया है, लेकिन आप इसका अभ्यास कम से कम 5 से 6 बार करेंगे। लेकिन अगर पेट की चर्बी को कम करने के लिए कर रहे हैं तो फिर इसका अभ्यास आपको अधिक करना पड़ेगा, और हो सके तो आप दिन में 2 बार करें, जिससे कि पेट की चर्बी आपकी धीरे धीरे पिघल जाएगी और आपका पेट जो फ्लैट हो जाएगा, क्योंकि आजकल पेट ही, अधिकतर लोगों का पेट ही आगे निकला हुआ है जो आपके व्यक्तित्व को बिगाड़ता है। और इनडाइजेशन तो है ही, कॉन्स्टिपेशन भी सबको है, और डायबिटीज में तो भारत और राजधानी, यानी हर घर में इसके मरीज है। और इतना ही नहीं, इसके अभ्यास से किडनी और लीवर भी हेल्दी होते हैं। तो देखा आपने, एक अभ्यास और कितने सारे लाभ। तो इसका अभ्यास मैं तो बोलूँगी, जिन चीज़ों में मना किया है वहाँ वो लोग ना करें, बाकी सब इसका अभ्यास प्रतिदिन जरूर करें। इसमें बहुत समय नहीं लगता है। मैं तो सुबह बिस्तर से उठ के सबसे पहले इसका ही अभ्यास करती हूँ, बाद में पानी पीती हूँ, ताकि एक बार में सीधे मेरे को पेट साफ हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होती है, कोई दवा नहीं लेनी पड़ती है। तो मेरा वीडियो आज का पसंद आए तो लाइक शेयर तो करेंगे, शेयर अधिक से अधिक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इस एक अभ्यास से आपको कौन से रोग में लाभ मिलने वाला है, और इसके अलावा कैसा लगा वीडियो। और पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।